तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू करता हूं एंड इसी के साथ बोल देता हूं कि आज क्या क्या स्टॉक अवेलेबल है। गाड़ी मैं दिखाने वाला हूं i20 इकोस्पोर्ट ईऑन एंड इसी के साथ फोर्स का एक एसयूवी है जो बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। चलिए मैं आपको दिखा दूंगा। एंड इसी के साथ i20 दो कलर में अवेलेबल है, व्हाइट एंड रेड कलर में। रेड वाला डीजल है, व्हाइट वाला पेट्रोल है। दोनों का ही प्राइस है 5.5 लाख। जो पेट्रोल गाड़ी है वो है 3 साल का एंड बाकी डीजल गाड़ी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एंड इससे पहले अगर आप फ़ोन करने वाले हो या अभी व्हाट्सअप भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तो डेफिनेटली मैकेनिकल वाइज चॉइस का नाम लेना, तब जाके आपको डिस्काउंट मिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑन टेबल बैठ के प्राइस मतलब नेगोशिएबल है जो भी प्राइस मैं बोलने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है i20 रेड कलर का जो डीजल का गाड़ी है, उसका चाबी गाड़ी आप देख सकते हो। गाड़ी में कोई भी स्क्रैचेस वगैरह कुछ भी नहीं है, ब्रांड न्यू टायर्स लगा है इसमें। ओके एंड एकदम टॉप मॉडल है, दिखा देता हूँ आपको पीछे से भी। देखिए स्पोर्ट्स मॉडल है जो कि बहुत ही बढ़िया है एंड इसी के साथ गाड़ी में कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं एंड बात करते हैं। ओके तो गाड़ी मैं अनलॉक कर रहा हूँ, चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। से है इसका स्टीयरिंग व्हील, आप देख सकते हो, जिसमें म्यूज़िक कंट्रोल्स वगैरह है एंड इसके साथ फोन कंट्रोल्स वगैरह है। इसमें आपको एयरबैग मिल जाएगा एंड इसी के साथ इधर आपको थोड़ा बहुत मतलब जो फैसिलिटी वगैरह दिया रहता है, जैसे पावर विंडोज़ वगैरह, मिरर कंट्रोल्स वगैरह, ऑटोमेटिक मिरर कंट्रोल्स, ये सब है। डैशबोर्ड मैं दिखा देता हूँ पहले आपको। तो ये है इसका डैशबोर्ड एंड इसी के साथ चलिए गाड़ी के बारे में कुछ बोल देता हूँ। गाड़ी है BS4 का गाड़ी है, 2015 रजिस्ट्रेशन है, 2030 तक इसका फिटनेस वैलिडिटी है। इसका इंश्योरेंस वैलिडिटी है जून 2021 तक। गाड़ी का प्राइस है 5.5 लाख एंड गाड़ी आप देख सकते हो i20, जिसका बॉडी बहुत ही स्ट्रांग होता है, मतलब इसका हुंडई का बॉडी मारुति से बहुत ही अच्छा होता है। एंड चलिए गाड़ी को चालू करके मैं दिखा देता हूँ। ये है इसका चाबी एंड इसमें सब कुछ फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स मॉडल है इसलिए। तो ये है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल, देख सकते हो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल एंड गाड़ी चला है 45,000 किलोमीटर ओनली डीजल में एंड इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगा। एंड इसी के साथ कंपनी फिटेड साउंड सिस्टम है इधर, एसी में ऑटो कंट्रोल वगैरह है, मतलब ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल्स वगैरह है। फ्रेंड्स इसी के साथ इधर आपको एक डीसी सॉकेट, ऑक्स केबल, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, ये सब मिल जाएगा। इधर थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा फ़ोन रखने के लिए एंड इसी के साथ ये है इसका गियर ड्राइव, मतलब मैनुअल गियर ड्राइव है एंड इसके साथ थोड़ा सा स्पेस वगैरह मिल जाएगा। देखिए सीट मटेरियल्स बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, आप देख सकते हो जो हुंडई का होता है। एंड इसमें आपको ABS, एयरबैग, सब कुछ फैसिलिटी मिलेगा, सेफ्टी से रिलेटेड हर फैसिलिटी इसमें है। एंड डैशबोर्ड में बहुत सारा स्पेस है फ्रंट में एंड पीछे का भी स्पेस आप देख सकते हो एंड ब्लैक कलर में ही है सीट मटेरियल्स वगैरह। चलिए गाड़ी को चालू करता हूँ एंड आप देखिए कि डीजल का साउंड कैसा है। तो फ्रेंड्स कितना साउंड आ रहा है मेरे को बोलिए, मैं थोड़ा सा रैप कर रहा हूँ। एंड इसका एसी को भी चालू करेंगे अभी, एसी ऑटोमेटिक है एंड तो एसी चालू करते ही एकदम ठंडा हवा का ब्लास्ट आ रहा है, शायद आप साउंड सुन पा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हवा निकल रहा है इसके अंदर से। ओके तो एकदम चिल्ड है एसी। तो इसका एसी एंड स्टीयरिंग व्हील एकदम बटरी है, मतलब मक्खन की तरह है स्टीयरिंग। ओके एंड इसी के साथ आप देख सकते हो यह है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। गाड़ी डीजल में ओनली 45,000 किलोमीटर चला है जो बहुत ही कम है एंड इसी के साथ इसका प्राइसिंग मैं आपको बोल चुका हूँ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो गाड़ी मैं आपको दिखाऊँगा वो है ये इको स्पोर्ट, देख सकते हो आप, फोर्ड का ही है एंड गाड़ी डीजल में ही है, गाड़ी में कोई भी स्क्रैचेस वगैरह कुछ भी नहीं है एकदम। इसमें अपोलो का टायर्स लगा हुआ है ब्रांड न्यू कंडीशन में एंड गाड़ी का पीछे का लुक भी आप देख सकते हो। तो गाड़ी के अंदर चलते हैं एंड बात करते हैं कि क्या क्या फीचर्स वगैरह है इसमें। तो फ्रेंड्स ये है इसका इंटीरियर जो आप देख सकते हो एंड इसका पीछे का स्पेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है इसका स्पेस पीछे का। फ्रेंड्स ये है इको स्पोर्ट फोर्ड का, आप देख सकते हो स्टीयरिंग में ओनली हॉर्न है एंड इसी के साथ आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे फीचर्स वगैरह है। जैसे फ्रंट में आपको दो पावर विंडोज़ वगैरह मिल जाएगा,
इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक मिरर कंट्रोल्स वगैरह मिलेगा। गाड़ी देखिए कितना किलोमीटर चला हुआ है, शायद आप नहीं देख पा रहे हो, मैं बोल देता हूँ। इधर आपको फ्यूल मीटर एंड इसी के साथ स्पीडोमीटर वगैरह मिलेगा, एंड इधर आपको लाइट कंट्रोल्स वगैरह मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एंड यह है कंपनी फिटेड म्यूज़िक सिस्टम, एसी कंट्रोल्स वगैरह इधर ही आपको मिल जाएगा, एंड इधर थोड़ा सा स्पेस आपको मिलेगा फ़ोन रखने के लिए। देखिए यह है इसका गियर, एंड कितना बढ़िया कलर में है। एंड इसी के साथ इधर आपको डीसी सॉकेट वगैरह मिल जाएगा, एंड थोड़ा सा स्पेस मिलेगा इधर। तो गाड़ी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, गाड़ी है 2013 रजिस्ट्रेशन, 2028 तक इसका फिटनेस वैलिडिटी है। गाड़ी है पश्चिम मिदनापुर आरटीओ का ही रजिस्ट्रेशन हुआ, एंड ऑल्सो I20 जो मैं दिखाया वो भी पश्चिम मिदनापुर आरटीओ का ही है। इसी के साथ गाड़ी है 1.5 लीटर का डीजल इंजन है इसमें लगा हुआ है, एंड इसका जो प्राइस है वो है 4.5 लाख ओनली। ओके, तो 4.5 लाख में आपको फोर्ड इको स्पोर्ट मिल जाएगा। आप देख सकते हो गाड़ी का कंडीशन। चलिए इसको चालू करता हूँ, इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यह है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल जिसको मैं ऑन किया हूँ। तो आप देख सकते हो 15 किलोमीटर पर लीटर, मतलब ये 15 का माइलेज आपको दे देगा इजीली। एंड इसी के साथ बाकी देख लेता हूँ क्या क्या फीचर्स वगैरह है इसमें। इसका एसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा थोड़ा ब्लोअर का हवा आ रहा है अभी मुझे, तो इसको चालू करेंगे एक बार। देखिए फ्रेंड्स कितना साउंड आ रहा है मेरे को बोलिए। एंड आपको मैं दिखा देता हूँ, यह है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एंड एसी को भी ऑन करके मैं दिखा देता हूँ। एसी को ऑन करता हूँ एंड ब्लोअर का साउंड सुनिए। एसी पावरफुल है, ठीक ठाक पावरफुल है, लेकिन I20 जैसा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अच्छा है। I20 में इंस्टेंट मेरे को एसी में कूलिंग मिला था, इंस्टेंट कूलिंग। इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अभी इसमें भयंकर कूलिंग आ रहा है, एकदम ठंडा हवा का ब्लास्ट आ रहा है, तो सही है। एंड इसी के साथ ये आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल देख सकते हो, का जो ग्रे फिनिशिंग आप देख सकते हो, एंड इसी के साथ इसका सीट मटेरियल का क्वालिटी आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। एंड इधर लाइट, इसमें डिस्प्ले भी लगा हुआ है जिसके साथ आप रियर में कैमरा लगा हुआ है, पार्किंग करते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड इसी के साथ देखिए इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में बहुत साउंड, यूएसबी पोर्ट, बहुत सारे फीचर्स वगैरह फीचर्स है इसके अंदर। ओके, एंड लेग स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब इसके अंदर बैठ के आपको कोई भी नहीं लगेगा कि जैसे आपको, मतलब एकदम बहुत स्पेसियस फील होगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो गाड़ी है वो है ये फोर्ड्स का है, आप देख सकते हो एसयूवी है, एंड इसमें जो टायर्स लगाया है वो अभी आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है, एंड MRF का टायर्स लगा है, ब्रांड न्यू कंडीशन में है टायर्स, आप देख सकते हो। डीजल में है गाड़ी, तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं, एंड बाकी मैं बोल देता हूँ क्या क्या है इसमें। और पीछे वाइपर है, BS4 का गाड़ी है। तो ये है इसका चाबी, इसको अनलॉक करते हैं एंड चलिए इसके अंदर चलते हैं। देखिए इधर है लाइट, XUV500 की तरह, एंड इधर आपको पावर विंडोज़ वगैरह मिल जाएगा। गाड़ी के बारे में बोल देता हूँ, गाड़ी है 2014 रजिस्ट्रेशन, 2029 तक इसका फिटनेस वैलिडिटी है, एंड इसी के साथ इसका इंश्योरेंस वैलिडिटी है 2021 जनवरी तक। एंड गाड़ी आप देख सकते हो 7 सीटर है, परफेक्ट 7 सीटर। टायर्स बहुत ही बढ़िया लगा है मुझे, एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में है, आप देख सकते हो। एंड इसका जो लाइट आउटपुट है वो बहुत ही बढ़िया है, प्रोजेक्टर के साथ हाई बीम ऑल्सो आपको हेलोजन भी मिलेगा। फ्रेंड्स, इसमें आफ्टर मार्केट LEDs लगा हुआ है जो बहुत ही अच्छा है इसका आउटपुट। इसमें आपको पावर विंडोज़ वगैरह मिल जाएगा, एंड इसी के साथ ये है इसका डैशबोर्ड का लुक, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, जिसमें वुडन फिनिशिंग है आप देख सकते हो। एंड ये है JBL का म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है, AC कंट्रोल्स वगैरह है, इधर बहुत सा स्पेस है, इधर इसका गियर है, गियर लीवर, एंड इसके साथ ये हैंड ब्रेक, बहुत सा स्पेस है, लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है इसमें। एंड इसी के साथ ये है इसका डैशबोर्ड का लुक, आप देख सकते हो। तो इसी के साथ 7 सीटर है, एंड पीछे का स्पेस देख सकते हो, सीट मटेरियल्स, एंड पीछे भी थोड़ा सा स्पेस है दो जन के बैठने के लिए, 7 सीटर है। तो ये है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। स्टीयरिंग में आपको म्यूज़िक कंट्रोल्स वगैरह मिल जाएगा,
देख सकते हो। एंड इधर आपको फ़ोन मतलब फ़ोन कंट्रोल्स एंड म्यूज़िक कंट्रोल्स दोनों ही मिलेगा। तो फोर्स का है, फोर्स का गाड़ी कितना क्वालिटी का होता है आपको पता ही है। तो चलिए चाबी को डालते हैं एंड चालू करते हैं गाड़ी को। तो फ्रेंड्स यह है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जिसमें बहुत सारे फीचर्स वगैरह है। ABS है इसमें, तो इसका जो साउंड सिस्टम है उसको बंद करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल, गाड़ी कितना किलोमीटर चला है वो आप देख सकते हो। गाड़ी का प्राइस है 4.5 लाख एंड इसमें 12 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये शो कर रहा है। जो लोकल में है हाईवेज में आपको 15 का माइलेज शायद मिल जाएगा। एंड गियर इंडिकेशन ऑल्सो आपको मिलेगा, रेंज कितना है वो भी मिलेगा, मतलब बहुत सारे फीचर्स वगैरह इसमें फीचर्स इसमें दिया हुआ है। चलिए गाड़ी को ऑन करता हूँ। तो ये किया मैं गाड़ी को ऑन, कितना साउंड आ रहा है आप बोलिए। एंड चलिए इसका जो एसी है उसको भी ऑन कर लेता हूँ। तो इसके अंदर एक येलो लाइट लगा हुआ है, तो जो एसी है उसको ऑन कर लेता हूँ। तो एसी पावरफुल है फ्रेंड्स, बहुत पावरफुल है एसी इसका। एंड बीच में आप इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देख सकते हो, ABS है इसमें। एंड इसके साथ RPM इंडिकेशन है, फ्यूल इंडिकेशन है, टेम्परेचर इंडिकेशन है, स्पीड इंडिकेशन है, इसमें ये सब कुछ है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा एंड आप ऑन करने के बाद देखे होंगे बहुत सारे इंडिकेशंस है गाड़ी में। एंड ये है इसका कुछ लुक। फ्रेंड्स इसका लाइट को भी ऑन कर लेता हूँ। देखिए ये है इसका लाइट का आउटपुट जो बहुत ही हाई है। प्रोजेक्टर लगा है इसके सामने, आप देख सकते हो लाइट बहुत ही पावरफुल है। देखिए प्रोजेक्टर लगा है ना, इसलिए इसका लाइट आउटपुट बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप एक SUV ढूंढ रहे हो, स्कॉर्पियो है, बुलेरो है एंड इसी के साथ ये भी आप ले सकते हो। 4.5 लाख मतलब 4.5 लाख है इसका प्राइस ओनली। तो आके टेस्ट राइडिंग लीजिए, देन डिसाइड कीजिए आपको लेना है या नहीं। पावर स्टीयरिंग वगैरह सब कुछ मिलेगा इसमें। एंड देखिए कलर चेंज हो रहा है इसका, जो साउंड सिस्टम है इंस्ट्रूमेंट कंसोल मतलब साउंड सिस्टम एंड AC कंट्रोल्स वगैरह जो है, इसका लाइट जो कलर है वो चेंज हो रहा है, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव है। एंड इधर आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, शायद ये लॉक्ड है, इधर लॉकिंग का भी ऑप्शन है, आप लॉक करके रख सकते हो। ओके चलिए फ्रेंड्स गाड़ी का AC को करते हैं बंद। एंड अभी देखिए साउंड कितना कम है, डीजल गाड़ी होते हुए भी इसमें साउंड बहुत ही कम है। फ्रेंड्स इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसको मैं एक बार और ऑन करके दिखा देता हूँ कैसे ऑन होता है। देखिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। ओके फ्रेंड्स गाड़ी मैं आपको तीन गाड़ी दिखाया एंड इसी के साथ और जो गाड़ी है उसका अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। पेट्रोल में है i20X वाइट कलर का, इसी के साथ रेनॉल्ट पल्स है, स्कॉर्पियो है, टाटा जेस्ट है पेट्रोल में एंड इसी के साथ स्विफ्ट भी है, आपका ऑल्टो 800 भी मिलेगा। बहुत सारे गाड़ी का स्टॉक्स वगैरह है, आप आके टेस्ट राइडिंग लीजिए, विजिट कीजिए। फ़ोन करने से पहले मैकेनिकल बाई चॉइस का नाम डेफिनेटली लेना, तो आपको प्राइसिंग लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आई गारंटीड। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट में। लीव योर लाइफ, लीव योर ड्रीम। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस वगैरह मैं लेके आता रहता हूँ बाइक्स एंड कार्स का, ऑल्सो सेकेंड हैंड न्यू। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लीव योर लाइफ, लीव योर ड्रीम। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट में। इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लेना। बाय।